दोस्तों एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन आ चुकी है और मुझे पता है आप सभी को बेसब्री से इंतजार था और होगा भी क्यों नहीं। यहाँ पे 17,727 पोस्ट पे अनाउंसमेंट की गई है दोस्तों। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे, पूरी कंप्लीट डिटेल जानेंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटीज है और डेट्स क्या होने वाली है। तो देखिये दोस्तों, यहाँ पे जो आपके सामने नोटिफिकेशन आई है, इसमें जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट दी गई है दोस्तों, तो 24 जून 2024 से आपका शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट कब है दोस्तों, 24 जुलाई 2024, यानी इस डेट तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। पेमेंट की बात करें दोस्तों, तो 25 जुलाई तक आप लोग पेमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आपने फॉर्म भरा है और कोई गलती हो चुकी है तो करेक्शन की जो डेट है दोस्तों आपका 10 अगस्त 2024 तक आप लोग करेक्ट कर सकते हो, इंफॉर्मेशन अगर कुछ गलत भर दिया है तो। उसके बाद बात करें दोस्तों, तो आपका टेंटेटिव शेड्यूल फॉर टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है उसका टेंटेटिव डेट है दोस्तों, यानी कि सितंबर अक्टूबर में हो सकता है, डेट्स अभी फाइनल नहीं की गई है। उसके बाद दोस्तों टीयर 2 की मैं बात करूं तो दिसंबर 2024 तक आपका हो सकता है। अब आगे देखते हैं इसमें और भी इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या क्या है दोस्तों, बहुत ज्यादा बड़ी नोटिफिकेशन है, 109 पेजेस की नोटिफिकेशन आई है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ काम की बातों पे ध्यान देंगे। देखिए दोस्तों, यहां पे जो डिटेल दी गई है पोस्ट की दी गई, यानी कौन कौन सी पोस्ट है और उसके लिए एज लिमिट आपको क्या क्या है, ये सब आपको देखने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, हम बात करें पे लेवल 7 की, तो यहाँ पे जो पे लेवल 7 रहने वाला है दोस्तों, जिसमें 44,900 से लेके 1,42,400 आपका सैलरी रहने वाली है, ये मैं बात करूं दोस्तों लेवल 7 की, तो बारी बारी सारे लेवल की हम बात करेंगे, ठीक है। पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो होगा दोस्तों, किस डिपार्टमेंट में, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस में, ग्रुप बी की जो पोस्ट है दोस्तों, ग्रुप बी की जो पोस्ट है, 20 साल से 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेम पोस्ट है लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, ग्रुप भी यहां पर भी, और 18 साल से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे ग्रुप दे रखे हैं, बहुत सारे यहां पे आपके सब ग्रुप्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जिसकी आपके एज दे रखी है, तो एज दोस्तों मिनिमम आपकी 18 साल है और मैक्सिमम आपकी 30 साल तक की एज है। अगर आप लोग दोस्तों स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सिर्फ उस केस में आपकी जो एज है 32 साल है। तो दोस्तों सारे के सारे नहीं पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, मैं आपको बता दूं कि जो सीजीएल का एग्जाम होगा 34 डिपार्टमेंट्स के लिए होगा, 24 डिपार्टमेंट्स होंगे दोस्तों, लेकिन मैं आपको पे स्केल जरूर बताऊंगा कि जैसे कि मैंने आपको 7 लेवल 7 का पे स्केल बताया था, वैसे दोस्तों यहाँ पे लेवल 6 की बात कर रहा हूं, 35,400 से लेके 1,12,400 तक आपका पे स्केल रहने वाला है। मैं लेवल 6 के ऑफिसर्स की बात कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लेवल 5 के ऑफिसर्स की, तो लेवल 5 के लिए अगर आप सिलेक्ट होते हो तो यहाँ पे 29,200 से लेके 92,300 तक आपकी सैलरी हो सकती है दोस्तों। एज मैं आपको बता चुका हूं, मिनिमम आपका 18 साल रहने वाला है और मैक्सिमम आपका 32 साल, लेकिन 32 साल सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए है, बाकी के लिए मैक्सिमम 30 साल ही आपको देखने के लिए मिलेगी। चलिए दोस्तों और भी चीजें देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। अब देखिए क्या कह रहे हैं, द कमीशन मेक्स फाइनल अलॉटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम प्रेफरेंस ऑफ द पोस्ट गिवन बाय द कैंडिडेट्स। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे ना दोस्तों, तो आपसे प्रेफरेंस पूछा जाएगा कि आप कौन सा डिपार्टमेंट और कौन सी पोस्ट के लिए कर रहे हो, तो जो जैसे आपका मेरिट लिस्ट आएगा, जैसे मान लीजिए कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ गए तो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको वो पोस्ट दी जाएगी, अगर आपके मार्क्स थोड़े कम आए हैं तो प्रेफरेंस के हिसाब से आपको दूसरी पोस्ट दी जाएगी। तो आपकी जो प्रेफरेंस है और आपका जो कट ऑफ मार्क्स के ऊपर आपको पूरी की पूरी अलॉटमेंट दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और भी क्या क्या चीजें हैं। वैकेंसीज की रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ठीक है, तो यहां पर टोटल जो अप्रोक्स वैकेंसी है मैं आपको बता चुका हूं, 17,727 वैकेंसीज हैं, और रिजर्वेशन के बारे में दोस्तों आगे पेजेस में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, कैंडिडेट्स फॉर ऑल द कैटेगरीज ऑफ पोस्ट सर्विसेज वेयरएवर एप्लीकेबल एंड एडमिसिबल वुड बी एज डिटरमाइंड एंड कम्युनिकेटेड बाय द इंटेंटिंग मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट ऑफिसेस कैडर एज पर एक्शन गवर्नमेंट ऑर्डर्स। यानी कि आपको जो कोई भी रिजर्वेशन मिलेगा, किसी भी पॉइंट पे रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको भेज दी जाएगी, मिल जाएगा, क्लियर दोस्तों। यहाँ पे आगे देखते हैं और भी क्या क्या चीजें हैं। नेशनैलिटी की बात करते हैं दोस्तों, यानी कि आपका जो एलिजिबिलिटी है ना, नेशनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए पहले तो आप इंडियन होने चाहिए, यानी कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, आप नेपाल से भी हो सकते हैं, भूटान से भी हो सकते हैं, या फिर आप
रिफ्यूजी के तौर पे आए हैं लेकिन 1962 के पहले आए हैं तो आप लोग एलिजिबल है, आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं लेकिन फिर भी डिटेल्स हैं तो देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ एज फॉर वेरियस पोस्ट देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखिए यहां पर क्या है दोस्तों, एज लिमिट की बात करें फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 to 27 ईयर्स, वो पोस्ट जिसमें एज लिमिट 18 से 27 साल तक की दे रखी है वो कब से कब तक के बीच में जन्म होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, फरवरी 8 1997 से लेके जनवरी 8 2006 के बीच में उनका जन्म होना चाहिए। आप लोग मैच कर लें, मैच करने के बाद आप लोग भर सकते हैं। दूसरा दोस्तों उनके लिए है जिनपे 20 साल से 30 साल तक के लिए जो अप्लाई करने वाले हैं, इस कैटेगरी में अप्लाई करने वाले, उनका डेट ऑफ बर्थ किस किस के बीच में होना चाहिए, ठीक है, फरवरी 8 1994 से लेके जनवरी 8 2004 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात करें 18 साल से 30 साल तक के लिए की एज लिमिट के बीच में जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए दोस्तों क्या है, फरवरी 8 1994 से लेके जनवरी 8 2006 के बीच में उनका डेट ऑफ बर्थ आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 से 32 साल, जैसे कि स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की मैं बात कर रहा था, अब ये उसकी बात कर रहा है। तो जो जन्म है दोस्तों फरवरी 8 1992 से लेके जनवरी 8 2006 के बीच में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहां पे रिलैक्सेशन भी दिया गया है, ठीक है, एसटी एससी को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की है। अब देखिए पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व 10 साल के लिए है दोस्तों, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी 13 साल के लिए है दोस्तों, पीडब्ल्यूबीडी एसटी एससी 15 साल के लिए दोस्तों। यानी कि आपको यहां पे देखिए कितने ज्यादा एज रिलैक्सेशन है, आप लोग अपनी कैटेगरी चुन के उसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 3 साल आपको मिलेगा दोस्तों, 3 साल आपको दिए जाएंगे, ये सारी चीजें आपके सामने, ये एज रिलैक्सेशन की बात थी दोस्तों, ठीक है। एडिशनल परमिशिबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर ग्रुप सी, देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 इयर्स ऑफ रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विसेज एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, उनको दोस्तों 40 साल तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप किसी डिपार्टमेंट में पहले काम कर चुके हैं, लगातार 3 साल तक आपने काम किया है, उसके बाद आप रिटायरमेंट आते हो, तो आप यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, 40 साल, 45 साल, 35 साल और 40 साल की उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हो। जो लोग भी पहले जॉब वगैरह कर चुके हैं तो ये इस चीज के लिए ध्यान देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या एक्स सर्विसमैन के आपको डेफिनेशन पहले से ही पता है दोस्तों, हम सारी चीजें नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, जो भी जरूरत की चीजें वही पढ़ेंगे क्योंकि 109 पेज का है, पढ़ूंगा तो 4-5 घंटे लग जाएंगे, ठीक है, इतना आप लोग हमारे साथ बैठोगे भी नहीं। हाँ ये जरूर बता दिया गया है कि एक्स सर्विसमैन जो है रिजर्वेशन, वो एक्स सर्विसमैन जो पर्सन है उसके बेटे या बेटी को नहीं दिया जाएगा, सिर्फ वो ही एलिजिबल होगा अगर वो रिटायरमेंट के बाद अप्लाई करना चाहता है तो। दोस्तों अभी आगे देखते हैं और भी क्या क्या चीजें हमारे काम की, ठीक है, प्रोविजंस ऑफ कॉम्पेंसेटरी टाइम एंड असिस्टेंट, ये भी हमारे मतलब का नहीं है दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और भी चीजें देख लेंगे क्या क्या है। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ये देखिए, ठीक है। अब देखिए जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स मैथ्स में होने चाहिए, क्लियर है, 60% मार्क्स मैथ्स में होने चाहिए, कौन सी क्लास में, 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है, और आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर वो नहीं है तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, यानी ग्रेजुएशन में आपके पास स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। मैंने बताया ना दोस्तों, ठीक है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए 32 साल तक की एज है तो आपको ये सारी क्वालिफिकेशन मांगेगा। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए दोस्तों बैचलर डिग्री मांगी गई है, सब्जेक्ट आपके पास स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट आपके पास स्टैटिस्टिक्स होना ही चाहिए। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव स्टडी स्टैटिस्टिक्स एज द सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स ऑफ ऑल द 6 सेमेस्टर्स ऑफ द ग्रेजुएशन कोर्स, वही वाली बात है, आपके पास स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए सब्जेक्ट, तभी आप लोग पढ़ोगे ना, तो स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे। रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC में अगर आप रिसर्च असिस्टेंट के पोस्ट पे अप्लाई करते हो तो दोस्तों एजेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बैचलर डिग्री फ्रॉम यहाँ किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात कहें तो देखिए एक होता है डिजायरेबल और एक होता है मस्ट, तो डिजायरेबल है यानी कि प्रेफरेंस इनको मिलेगी, आप एलिजिबल हो लेकिन प्रेफरेंस इन्हीं को मिलेगी जिनके पास ये चीजें हैं, कौन सी देखिए, मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। ऑल द पोस्ट, ऑल अदर पोस्ट में दोस्तों कुछ भी नहीं है, बाकी जितने भी पोस्ट है जितने मैंने बताए उसके अलावा सब में आपके पास प्लेन ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। चलिए
आगे बढ़ते हैं, और भी चीजें क्या क्या है, हाउ टू अप्लाई, में कैसे अप्लाई करना है दोस्तों, ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगा, कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बता दूंगा आगे, क्योंकि प्रॉपर फॉर्मेट दिया हुआ है आगे, तो प्रॉपर फॉर्मेट में आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, पर हाँ एक दो चीजें आप लोगों को ध्यान में याद रखना है, ठीक है, कि जो अप्लाई करेंगे ना, कैंडिडेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव अ प्रीरिक्विजिट फोटोग्राफ्स, पहले से फोटोग्राफ्स नहीं लेके जानी है, वहां पे सामने से लाइव कैमरा आएगा, वो आपकी फोटो क्लिक करेगा, ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छी प्लेस पे बैठे, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, आपके यहाँ के क्लोज नहीं होनी चाहिए, बार बार ऐसे ऐसे नहीं करना है, ठीक है, कैमरा प्रॉपर आपका सामने होना चाहिए, आप स्ट्रेट देखते रहने चाहिए, सभी को पता है दोस्तों, जनरल सी बातें, इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं साइज आपका, देखिए साइज आपका बता के रखा 10 to 20 KB होना चाहिए, ये तो वहां पर भी आपको पता चल जाएगा, जब आप अपलोड करोगे तो बता देगा कि इतने से इतने के बीच में होना चाहिए, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अब देखिए एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 100 रुपए आपका एप्लीकेशन फीस लगने वाला है, बट अगर ये फीमेल कैटेगरी में है या फिर STS या किसी भी रिजर्व कैटेगरी में, तो 100 रुपए भी आपका नहीं लगेगा, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वीडियो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, ठीक है, विंडो, अब ये विंडो मैंने आपको पहले बताया था कि 10 अगस्त तक आप लोग यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो अपनी सारी सारी इन्फॉर्मेशन को, जो आपने गलती से गलत भर दिया है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप लोग खुद सिलेक्ट करोगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको वही सेंटर मिल जाए, हो सकता है आपको कोई और सेंटर मिल जाए, लेकिन आप लोग अप्लाई करेंगे इन सारे सेंटर्स के अकॉर्डिंग, क्लियर दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ठीक है, सारे सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, ठीक है, आप जब भी फॉर्म भरें तो सेंटर अपने हिसाब से जरूर डालें, प्रेफरेंस का कॉलम मिल जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है आपको वहीं पर ही दिया जाए दोस्तों, ठीक है। सेंटर वगैरह भी आपने देख लिया, सब कुछ देख लिया आप लोगों ने, ठीक है, सारी सारी इन्फॉर्मेशन। अब बगते दोस्त, सेंटर भी दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट होना है, जो आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा ना वहीं पे होगा, इसलिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं है सेंटर को चेंज करने से रिलेटेड, ठीक है। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन की बात कर लेते दोस्तों, एग्जामिनेशन कैसे होगा, ठीक है, देखिए, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 tiers, 2 tier होते हैं CGL के, आप सभी को पहले से पता है, ठीक है, आपका tier 1 और tier 2 की मैं यहाँ पे बात करूंगा, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे कैसे क्या का आएगा एग्जामिनेशन प्रोसेस में, उसमें हम चल के सारी की सारी बातें करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते स्कीम की, tier 1 एग्जामिनेशन की बात करें दोस्तों, तो tier 1 एग्जामिनेशन में आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सब्जेक्ट होगा, जनरल अवेयरनेस का होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का होगा। यहाँ पे 25-25 क्वेश्चन होंगे और 2-2 नंबर के होंगे, यानी कि 50-50 नंबर के क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपके पास 200 नंबर का पूरा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, और समय मिलेगा दोस्तों आपको 1 घंटे, यानी कि 60 मिनट में आपको ये कवर करना है। उसके बाद आते हैं दोस्तों स्कीम ऑफ टियर टू में दोस्तों आपको 2 सेक्शन मिलेंगे, ठीक है, पहला तो सेशन 1 में देखें दोस्तों, सेशन 1 में आपके पास 2 घंटे और 15 मिनट होंगे, लेकिन 2 घंटे 15 मिनट ऐसा नहीं एक ही एग्जाम के लिए मिलेंगे, आपको अलग अलग सेक्शन दिया जाएगा, मैं आपको बता देता हूं कैसे। देखिए सेशन 1 में दोस्तों, सेक्शन 1 मॉड्यूल 1 में दोस्तों आपके पास मैथमेटिकल एबिलिटीज आएंगी, मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस आएगी, दोनों आपका 30-30 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर के हिसाब से 180 नंबर आपको मिलेंगे दोस्तों। इसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, ये कंफ्यूजन में मत रहेगा कि ये 2 घंटे 15 मिनट है और वहां पे 1 घंटा क्यों बोल रहा है, ये देखिए ये 1 सेक्शन है, 1 सेक्शन के लिए 1 घंटा मिलेगा। आगे चल के और देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए सेक्शन 2 में आपके पास, यानी कि मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा, मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस आ जाएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश के 45 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और 25 क्वेश्चन मिलेंगे जनरल अवेयरनेस के देखने के लिए, ठीक है, यानी कि 70 क्वेश्चन हो गए, 3 नंबर के हिसाब से आपको 210 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। तीसरा सेक्शन 3 की बात करें दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, 20 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के हिसाब से, यानी कि 60 नंबर के आपका टेस्ट होगा, 15 मिनट आपको यहां पे मिलने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। अब सेशन 2 की बात कर लेते हैं, तो 15 मिनट है दोस्तों इसका, सेशन 2 की बात करें तो 15 मिनट है, ठीक है, इसमें सेशन 3 की बात करें, मॉड्यूल 2 डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट वगैरह होगा, कंप्यूटर टेस्ट में स्पीड वगैरह होगा आपका, ठीक है। अब देखते हैं डेटा 1 एंट्री टास्क, आपको कोई भी ऐसा एंट्री टास्क आपको दिया जाएगा जो कि आपको परफॉर्म करना रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी सारी आपकी स्कीम थी। अब पेपर 2 की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स 100 नंबर का आएगा, 2 नंबर के हिसाब से 200 नंबर का आपको देखने के लिए मिलने वाला है। कहने का मतलब क्या, ये तो सिर्फ उनके लिए है ना, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, तो ये आप अगर अप्लाई करते हो तो ठीक, नहीं अप्लाई करते तो ये आपके मतलब का नहीं रहेगा दोस्तों, क्लियर है पॉइंट। यहाँ पे ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मॉड्यूल 2 सब कुछ बता चुका हूं, कॉलम वाइज आपने देख ही लिया है, ठीक है, आपको पहले से भी पता होगा, लेकिन यहाँ पे मैं सारी सारी बातें आपको दोबारा से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दोस्तों होता क्या है ना, कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। अब देखिए सिलेबस की बात कर लेते हैं दोस्तों, सिलेबस में आप सभी को पता है क्या क्या चीज आया, जो भी तैयारी कर रहे हैं,
टीयर वन में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बात कर ले जनरल अवेयरनेस में, सारी सारी चीजें आपको सारा सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा जनरल अवेयरनेस में, ठीक है। अब देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, यानी कि मैथ्स की बात करें, ठीक है, नंबर परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा तो बहुत लेट होगा, ठीक है, इसलिए पूरा सिलेबस डिस्कस नहीं करूंगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में दोस्तों सभी तरीके के टेस्ट आएंगे आपके पास, ठीक है, हर तरीके के टेस्ट, यानी कि राइटिंग एबिलिटी होगी आपके पास, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी होगी, ठीक है, आपके पास करेक्ट इंग्लिश होगा, यानी कि सारे के सारे पैटर्न आपके सामने आएंगे। इंडिकेटिव सिलेबस बात करें, टीयर टू की बात करें, तो मॉड्यूल वन ऑफ सेशन वन ऑफ पेपर वन मैथमेटिक्स एबिलिटी का टेस्ट होगा दोस्तों, ठीक है, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, एलजेब्रा, ठीक है, ज्योमेट्रिक, मेंसुरेशन, सारे के सारे आपके टॉपिक रहने वाले हैं। मॉड्यूल टू की बात कर दो तो सेक्शन वन के लिए पेपर वन रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस की बात करें, एनालॉगी होगा, सिमेंटी होगा, फिगर एनालॉगी होगा, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिंग, ये सब कुछ आपके टॉपिक्स आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं मॉड्यूल वन, ठीक है, ये भी आपको पता चाहिए दोस्तों, ठीक है, हम लोग क्या जनरल अवेयरनेस में सारे सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारी सारी चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए स्टैटिस्टिक्स की बात करें, स्टैटिस्टिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मीन मोड मीडियन वगैरह पूछा जाएगा, अगर तो आप स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हो तो, ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन पूछा जाएगा, ठीक है, मूवमेंट्स, क्यूएनएस, कर्टियस, ये सारे सारे थ्योरीज आपसे पूछी जा सकती हैं। आगे देखते और भी चीजें हैं, ठीक है, एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, अब देखिए इसके बारे में क्या बात कर, ठीक है, देखिए ऑल द कैंडिडेट्स हु रजिस्टर्ड देमसेल्फ्स इन रिस्पांस टू दिस एडवर्टाइजमेंट बाय क्लोजिंग डेट एंड टाइम एंड whose applications are found to be ordered and are provisionally accepted by the commission. कहा जा रहा है कि जो भी आप लोग फॉर्म भरेंगे, अगर आपका फॉर्म प्रॉपर तरीके सही है, रिजेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, तो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए द कमीशन विल नॉट अंडरटेक डिटेल स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशंस फॉर द एलिजिबिलिटी एंड अदर एस्पेक्ट एट द टाइम ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन एंड देयरफॉर कैंडिडेट्स विल बी एक्सेप्टेड ओनली प्रोविजनली, ठीक है। कैंडिडेट्स मस्ट गो थ्रू द रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज, फिजिकल, यानी कि देखिए वहां पे आपका चेक वर्क कुछ नहीं होगा, आपका जो भी भरना है ना, ठीक है, आप अभी के अभी भर दीजिए जो भी सही भरना है। देखिए आप एग्जाम दे ले, गलत भर के कोई बात नहीं, एग्जाम भी दे ले, सब कुछ दे लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आप फंसोगे ना, तो ये कह रहा है कि भैया हम ऐसा कुछ चेक वर्क नहीं करने वाले हैं वहां पे, ठीक है, सब कुछ आपको खुद ही भरना है, सही तरीके से भरना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते और भी क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, देखिए ठीक है, इन एडिशन टू द एडमिशन सर्टिफिकेट, ठीक है, इट इज मैंडेटरी टू कैरी एटलीस्ट टू पासपोर्ट साइज रीसेंट कलर फोटोग्राफ, जो कि आपके वहां पे वेरिफिकेशन में काम आएगा, ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी प्रूफ हैविंग, अब देखिए सारी सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, क्या आधार कार्ड हो सकता है आपके पास, ठीक है, प्रिंट आउट ऑफ ई आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, यानी कि इस पे सारे के सारे आपके फोटो आईडी कार्ड है, ठीक है, आईडी कार्ड इश्यूड बाय द यूनिवर्सिटी हो सकता है, एम्प्लॉयर्स आईडी कार्ड हो सकता है, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक हो सकती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आपको दिया हुआ है, एनी अदर फोटो बेरिंग आईडी कार्ड, जो भी फोटो होनी चाहिए फोटो आइडेंटिटी कार्ड के लिए, इतना आपको मस्ट किया गया है, इतना ही होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर दोस्तों, ठीक है, तो जब आप एग्जाम दे लेंगे, ठीक है, टीयर वन, टीयर टू, कंप्यूटर बेस्ड सारे के सारे एग्जाम दे लेंगे, कुछ पोस्ट के लिए दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड भी है, आपने वो भी दे दिया तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। चलिए दोस्तों अब और आगे देख लेते हो, प्रेफरेंस फॉर द वेरियस पोस्ट एंड डिपार्टमेंट्स विल बी टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट्स थ्रू ऑनलाइन ऑप्शंस फॉर्म ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन बिफोर डिक्लेयरिंग द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। अब देखिए फाइनल रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर करने से पहले प्रेफरेंस देखी जाएगी, जैसे मान लीजिए आपका स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा है, आप हर एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, बट आपकी प्रेफरेंस देखी जाएगी, क्या पता आपने कोई ऐसी पोस्ट डाली हो जो आपको प्रेफरेंस नंबर पे आपने रखा है, यानी कि उसमें आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये सारी चीजें पहले से ही पता है दोस्तों, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। देखिए कुछ चीजें हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पे आपको फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, जैसे कि आप देखिए जैसे इंस्पेक्टर्स वगैरह हैं तो वहां पे मांगा जाएगा ना, यार सीधी सी बात है, ठीक है, तो उसमें देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो मांगे गए हैं, ठीक है, यहां पे देखिए इंस्पेक्टर के लिए इंस्पेक्टर जो कि एक्साइज डिपार्टमेंट, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, सीबीएन, ये सब में आपको मांगा गया है क्या, फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। सारी चीजें आगे भी बताएंगे क्या क्या चीजें हैं। देखिए अब कैंडिडेट्स विल हैव सबमिट कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, सारी सारी कॉपीज आपके पास होनी चाहिए, मैट्रिक का सेकेंडरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट अगर आप लोग रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करते हो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्स सर्विसमैन में अगर अप्लाई करते हो तो सारे सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, सारी सारी डिटेल्स आपको पहले से ही पता है दोस्तों। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें दोस्तों, तो मोड ऑफ सिलेक्शन में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर वन, सेक्शन वन, सेक्शन टू एंड मॉड्यूल वन ऑफ द सेक्शन थ्री ऑफ पेपर वन ऑफ टीयर टू, पेपर टू ऑफ टीयर थ्री एग्जामिनेशन आर एज फॉलोस, ठीक है। देखिए अब देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यूआर के लिए यानी अनरिजर्व के लिए 30% होगा, ठीक है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% होगा और दूसरी बाकी कैटेगरीज जो कि रिजर्व में आती है 20% आपका मिनिमम क्वालिफाइंग
टाइपिंग मार्क्स होगा। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर्स अलाउड, जो कि आपका टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें एरर्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 20% अलाउड है और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% अलाउड है और अदर सेक्शन के लिए 30% आपका अलाउड रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं और भी चीजें क्या है। कैंडिडेट्स हु नॉट सबमिट देयर पोस्ट प्रेफरेंस ऑन द वेबसाइट टू द कमिटी विद इन द स्पेयर टाइम, ठीक है, विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एनी पोस्ट इन फाइनल रिजल्ट, ठीक है। अब ये वाली बात, आपने प्रेफरेंस नहीं दिया तो लेकिन तो उसके हिसाब से आपको पोस्ट अलॉट कर दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं और भी क्या क्या चीजें हैं। ये दोस्तों नोटिफिकेशन काफी ज्यादा लंबी है, ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ काम की बात देखेंगे, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ द टाइप्स केसेस जो भी हम लोग नहीं देखेंगे, हमारे मतलब का नहीं है, ठीक है। ये देखिए टाइप्स ऑफ मेल प्रैक्टिसेस, अगर आप लोग पकड़े जाते हो चीटिंग करते हो किसी भी तरीके के मेल प्रैक्टिसेस में, तो आपका जो फॉर्म है दोस्तों रद्द हो जाएगा, रद्द तो होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपको मतलब पनिशमेंट भी मिलेगी, कई तरीके की पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है, तो इसके बारे में भी हम नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में आपको पहले से ही पता है काफी ज्यादा, ठीक है। आपको गलत काम नहीं करना है, जो भी चीजें भरनी है, ठीक है, अच्छे से भरनी है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स, ये भी आपको पता है, ठीक है, सब कुछ हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, सिलेबस देख चुके, डेट्स वगैरह देख चुके, ये आपके जनरल सी बातें हैं जो हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फोटो आपका प्लेन बैकग्राउंड में होना चाहिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो और भी तो चीजें नहीं है यहाँ पे, और भी क्या क्या है, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह में आपको देख लेते हैं क्या क्या चीजें दे रखी हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों और भी ये चीज क्या है, आपको कुछ यहाँ पे आपको कुछ वो दे रखे हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मेट दे रखे हैं, किसी फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना है। जैसे कि देखिए सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशंस इन एन एग्जामिन टू राइट, ठीक है, ये आपका पूरा फॉर्मेट दे रखा है, जो भी आप सर्टिफिकेट लगाओगे तो इसी फॉर्मेट में लगाओगे, ठीक है, सारी आपके सामने आएगी, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास फॉर्मेट है, सिग्नेचर नाम, इस फॉर्मेट में आप लोग सारे सर्टिफिकेट लगाने वाले हो। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्राइब, ठीक है, इस तरीके के आप लोग सर्टिफिकेट लगा देने वाले हो, ठीक है दोस्तों। और तो चीजें नहीं है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, स्टेप वाइज आपको सारी चीजें बताई गई हैं, बस ये आपका लास्ट चीज है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए फ्लो ऑफ वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लिक ऑन द लॉगिन रजिस्टर बटन, प्रोसीड विद इन द रजिस्ट्रेशन, ठीक है, नहीं इसके पहले भी कुछ और है हमारे पास, ठीक है। देखिए ये आपका रोल नंबर वगैरह भरेंगे, ओके ठीक आ गया, यहाँ से हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए क्या चीज है दोस्तों, देखिए प्रोसीजर फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, सबसे पहले आप क्या करोगे, द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स की बात करें, दो पार्ट्स कौन से, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूंगा और वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद आपको दोबारा लॉग इन करना है, ठीक है, फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन। अब देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग भर दोगे, ठीक है, जो भी आपके पास दिया गया, ठीक है, वो आपका फोटो आईडी में जो भी नंबर वगैरह होगा वो सब आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन भरने वाले हो, ठीक है। उसके बाद आपको एक पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है, पासवर्ड क्रिएशन का ऑप्शन आएगा, आता ना दोबारा से पासवर्ड भरें, कंफर्म करें, एडिशनल डिटेल वगैरह डिक्लेरेशन के लिए मिल जाएगा। तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलने के बाद दोस्तों जब आप सेकंड पेज पे जाओगे तो सेकंड पेज में आप लोग सारी चीजें भरने वाले, ठीक है, एडिशनल डिटेल्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सारी चीज भरो, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कैटेगरी, नेशनलिटी, नाम वाम, पिताजी का नाम, सब कुछ आप लोग भरोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे आता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, फ्लो ऑफ वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपके पास आ गया, ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा, पर्सनल डिटेल डालेंगे, पासवर्ड क्रिएट करेंगे, एडिशनल डिटेल डालेंगे और डिक्लेयर कर देंगे, उसके बाद आपके पास मोबाइल पर वन टाइम आ जाएगा, ठीक है। अब देखो फिल द पर्सनल डिटेल, ये सारी आपके पास सामने प्रोफॉर्मा है, ये पर्सनल डिटेल्स आप लोग कुछ इस तरीके से भरने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पेज पे सारे आपके सामने, रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। वन टाइम होम पेज, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, देखिए योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इस तरीके से आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू करते चले जाएं, ठीक है, आपको वहां पर भी दिख जाएगा सारी चीजें, ठीक है। लॉगिन स्क्रीन विद वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। अब जब दोबारा लॉगिन करेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए तो वन टाइम पासवर्ड मांगेगा दोस्तों। होम पेज आ गया, साइन इन करेंगे तो आपके पास वन टाइम पासवर्ड मांगेगा, वन टाइम पासवर्ड जैसे ही दे देंगे या फिर लॉग इन टू रजिस्टर जैसे ही दे देंगे, ठीक है। ये देखिए आपका क्या मांग रहा है, ठीक है, हेलो कैंडिडेट, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड जो भी आपके सामने आया होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ये फॉर्म फिलअप हो चुका होगा, ठीक है। पासवर्ड क्रिएशन पेज, ये सारी चीज आपके सामने, ये तो दोस्तों आपको वहां पर भी मिल जाएंगे, इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। जब आप भरने जाओगे ना तो सारे इंस्ट्रक्शन आपके सामने स्क्रीन पे होंगे, ठीक है। बस आप याद रखना, ठीक है, कि आपको वेबसाइट सही डालनी है, पूरी तरीके से सारे करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको भरना है, ठीक है दोस्तों। ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, ये एक तरीके का प्रोफॉर्मा है दोस्तों, इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मतलब का कुछ भी नहीं है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैं आपको सारी बता चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। ये सारी अब देखिए आगे और क्या है दोस्तों आपके लिए, और क्या क्या चीजें हैं, मैं देख रहा था बहुत बड़ी नोटिफिकेशन दोस्तों, 109 पेजेस का है, 109 पेज तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, सारे प्रोफॉर्मा आपके सामने दे रखे हैं, सब कुछ आपके सामने है, ठीक है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, चलिए इतना ही है इन्फॉर्मेशन तो जो मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। आप लोग जाए और देखें, जिस तरीके से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है उसी फॉर्मेट में आपको जाके अप्लाई करना है दोस्तों। सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सामने रखें, ठीक है, साल में एक बार आपको मौका मिल रहा है,
तो जरा सी भी गलती आपके लिए अलाउड नहीं है, ठीक है, आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर गलती हो भी जाती है तो 10 अगस्त तक जाके उसको आप लोग करेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी और आपको काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली होगी सारी सारी इंफॉर्मेशन से। तो आप जब भी जाए फॉर्म भरें, ठीक है, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें, हो सकता है कोई पॉइंट आप लोग मिस कर दे, वो आपको पॉइंट मिस नहीं करना है दोस्तों। तो चलिए यही था आज के लिए इस सेशन में एसएससी सीजीएल की डिटेल्स। मिलेंगे अगले सेशन में अगली किसी वैकेंसी के साथ या फिर कोई नॉलेजेबल वीडियो से। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद।